लोगों को कैसे हम टैकल करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लोभ को टैकल करने के लिए छह उपाय मैं बता सकता हूं। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि लोभ को, लोभ भक्ति में भी जरूरत है, उसका सही उपयोग करना जानना चाहिए, लोभ का सही उपयोग करना। एक श्लोक में, शास्त्रों में बताया गया है कि कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियताम यदि कुत्रापि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मौल्य मूल्यमेकलम कोटि जन्म सुकृतनोपि न लभ्यते। रूप गोस्वामी इस श्लोक में बताते हैं कि कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या दाम है, क्या उसका प्राइस है। कृष्ण भक्ति का प्राइस क्या है? लोभ है। लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, लोभ ही एकमात्र मूल्य है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको लोभ होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने चार माला कर लिया, बारह माला कर लिया, सोलह माला कर लिया तो हो गया मेरा। हमारे अंदर और लोभ होना चाहिए, और ज्यादा करें, और ज्यादा करें। इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? हाँ, भगवान का नाम में, भगवान की सेवा में हमने कितना भी सेवा किया, और करना है, और करना है, और करना है। इस प्रकार का लोभ हमारे अंदर होना चाहिए। अपने श्रीमद् भागवत के अंदर जो ऋषि मुनि भागवत सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि वयम तु न विद्रुप्या मा उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। बोल रहे थे कि हम, आप कितना भी हरि कथा बोलो, हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और ज्यादा सुनना चाहते हैं, और ज्यादा सुनना चाहते हैं, और ज्यादा सुनना चाहते हैं। तो ये होता है लोभ। सात दिन सात रात लगातार सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत सुनाया, और परीक्षित महाराज बोल रहे थे कि और सुनाइए, और सुनाइए, बिना खाए, बिना खाए पिए, बिना सोए, कंटिन्यूअसली सात दिन सात रात। आजकल भागवत सप्ताह करते हैं सात दिन का, दो तीन घंटे का कथा होती है, फिर बीच में चाय पीने का ब्रेक होता है, फिर घर जाते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फिर आते हैं, फिर अगले दिन फिर वापस कथा सुनने के लिए। ऐसा नहीं सुने थे परीक्षित महाराज ने, 24 घंटे लगातार कंटिन्यूअस, सात दिन सात रात। इतना सुनते हुए भी परीक्षित महाराज ने ये नहीं कहा कि मैं अभी सेटिस्फाइड हूं, बोले और सुनाए। तमोपयातम प्रतियंत विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमीशे विजोपसृष्ट कुहगस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः। वो बोलते हैं कि, परीक्षित महाराज कहते हैं कि जो भी सांप मुझे डसेगा, सांप आकर अभी अभी मुझे मार डाले, कोई दिक्कत नहीं होगी, और बस आप कृष्ण कथा सुनाते रहो, कृष्ण कथा सुनाते रहो। सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं आप कृष्ण कथा सुनाते रहिए, और गंगा माता आप आपके शरण में हमें रखिए, और वो जो भी श्राप, जो भी हमें मिलना है, जो भी हमें लगना है वो लगे, जो भी सांप आकर हमें डसना है तो डसे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप कथा सुनाते रहिए, मैं कथा सुनता रहूंगा। ये होता है लोभ। इस प्रकार हमारे लोभ को भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए, भगवान का नाम जप करने में, भगवान की कथा सुनने में, और भगवान की सेवा करने में भी लोभ होना चाहिए। कितना भी सेवा करें, और सेवा करना। ऐसा हनुमान जी, एक बार क्या हुआ, अयोध्या में सभी ने सोचा कि देखो हनुमान जी इतना सेवा कर लेते हैं, इतना सेवा कर लेते हैं, हमको कोई सेवा करने का मौका ही नहीं मिलता है राम जी को। तो सबने सोचा कि काम करते हैं हम, एक मीटिंग करके जितनी सेवाएं हैं सब बांट लेते हैं आपस में, राम जी की जितनी सेवाएं हैं ना सब आपस में बांट लेंगे, और ताकि हनुमान जी को कुछ नहीं बचेगा सेवा करने का। तो उन्होंने क्या, जितनी सेवाएं हैं राम जी का सब पूरा लिस्ट बना लिया उन्होंने, सारी सेवाओं का लिस्ट बना लिया और सब आपस में बांट लिए, और हनुमान जी को बोले भैया
हमने सेवा का लिस्ट बनाया और लिस्ट में जिसकी जो सेवा है वह वही सेवा करेगा और कुछ नहीं करेगा। और उसमें मेरा नाम है क्या? बोले आपका नाम नहीं है। फिर क्या करें? हनुमान जी बेचारे बैठे रहे राम जी के चरणों के पास, क्या सेवा करें। तो इतने में राम जी उबासी लेने लगे, और जैसे राम जी उबासी लेने लगे तो हनुमान जी जब कोई उबासी लेते हैं तो चुटकी बजाते हैं सामने, तो हनुमान जी जाकर चुटकी बजाए और राम जी खुश हो गए, और राम जी को तो फिर से उबासी आने लगा, और बार बार उबासी आने लगा, और हर बार हनुमान जाके चुटकी बजा रहे, ये उनकी सेवा था। तो वो उबासी लेने के बाद चुटकी बजाने का जो सेवा है वो तो उन्होंने लिस्ट में नहीं लिखा, इसलिए उनको वो कर पा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति लोभ लोभ रहता है कि हमें सेवा करना है तो मौका मिल जाता है। उसी प्रकार से भगवान का प्रचार करने का भी, प्रचार करने का भी, जो व्यक्ति प्रचार करना चाहता है उस व्यक्ति को आप रेगिस्तान में छोड़ दो या ऐसा कोई जगह छोड़ दो जहां बहुत मुश्किल है जीना, वहां पर भी वो प्रचार कर लेंगे। रूपा जी का शिष्य कहां कहां प्रचार नहीं किए, गल्फ कंट्रीज में प्रचार किए, मुस्लिम कंट्रीज में प्रचार किए, उसके अलावा कम्युनिस्ट कंट्रीज में भी प्रचार किए, जहां नास्तिक कंट्रीज हैं चाइना जैसे वहां पर भी प्रचार किए, हर जगह पर। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां प्रचारक को प्रचार करने का मौका नहीं मिलता है। सो प्रचार करना चाहते हैं तो कहीं पर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें लोभ होना चाहिए भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए और प्रचार करने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए, इसके लिए लोभ होना चाहिए। साधु संगे हरि कथा, लोभ साधु संगे हरि कथा। राधे राधे।